कि अभी विष्णु सहस्र नाम का पाठ बाकी है, पाठ कर ले तो प्रसाद पाऊं। नियम है, नियम तोड़ना नहीं चाहिए। पार्वती जी ने कहा सहस्र नाम का पाठ कर ले तब प्रसाद पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा विलंब हो रहा है, अब तुम विष्णु सहस्र नाम का पाठ करोगी तो बड़ा देर लगेगा। बोले तो बोले ऐसा करो एक बार राम राम कह लो बस, राम विष्णु सहस्र नाम के बराबर हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे देवी एक बार राम 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 ऐसे कह लो बस विष्णु सहस्र नाम के बराबर हो जाएगा, पाठ मान लिया जाएगा और भोजन कर लो। भगवान शंकर की वाणी पर पार्वती ने भरोसा किया। सहस नाम सन सुनि शिव बानी, शिव जी की वाणी को सुना पार्वती ने कि राम नाम तो सहस्र नाम के बराबर है। सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेई प्रिय संग भवानी। और भगवान शंकर के साथ पार्वती जी ने प्रसाद पा लिया, राम राम कहा और फिर प्रसाद पाने बैठ गई। विष्णु सहस नाम के पाठ का ही फल हुआ। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि देवी ने मेरी बात मान ली और राम नाम की महिमा को इन्हें समझा। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण बना लिया। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का आधा रूप, शंकर भगवान और आधा रूप नारी का रूप। ये रूप भगवान ने क्यों बनाया? बोले पार्वती जी को आदर देने के।